कल तक हमने जो पढ़ा था वो आपने पढ़ा था, करंट क्या है और अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बारे में आपने डिटेल्स पढ़े थे। आज हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो किसी भी पॉइंट पे निकाला जा सकता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं तो ये वर्क डन होता है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जितना भी काम करना पड़ता है, ये उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल वी से, और इसका एसआई यूनिट जो है वो वोल्ट होता है। मैथमेटिकली वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। ये आपको मैंने दिखाने की कोशिश की है। ये देखिए, एक आपका कोई इन्फिनिटी पे कोई चार्ज पार्टिकल है, इसको यहाँ से उठा के ये आपका कोई एक चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है, जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड ये सर्कल में दिखाया गया है। इसके किसी पॉइंट ए तक अगर आपको इसको लाना है तो इसमें जो टोटल वर्क डन है दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट ए। हमने ये देखा है, आपको डेफिनेशन में बताया कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। अगर W हम 1 जूल रखते हैं और Q 1 कूलम रखते हैं तो V 1 वोल्ट होता है, यानी 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। यहाँ से आप 1 जूल को डिफाइन कर सकते हैं, 1 जूल वर्क इज इफ, यहाँ से आप 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं, इफ 1 जूल वर्क इज डन इन moving 1 coulomb charge from infinity to a point inside an electric field, then potential of that point is 1 volt. क्या मतलब हुआ कि अगर किसी चार्ज को, 1 coulomb के चार्ज को plus 1 coulomb के चार्ज को infinity से किसी पॉइंट तक लाने में 1 जूल वर्क करना पड़ता है तो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो 1 वोल्ट के बराबर होता है। ये देखिए, आपको मैंने इसका एक छोटा सा डेरिवेशन करके दिखाया है। ये हमारे ऑटो और प्लास्टिक के बच्चों के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आपको जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे हैं आपको पता होना चाहिए। आपके दूसरी जो सब्जेक्ट्स हैं, FEEE टाइप के जो सब्जेक्ट्स हैं, उन सबके सिलेबस में ये चीजें होती है, इसलिए मैंने इसको एक छोटा सा डेरिवेशन यहाँ पर ऐड कर दी है। वी जो है दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। यहाँ पर हमने ये माना है कि एक चार्ज प्लस क्यू है जो यहाँ रखा हुआ है, और दूसरा चार्ज्ड पार्टिकल जिसपे स्मॉल क्यू का चार्ज है, इसको आप वहां से लेके इस चार्ज तक ले आते हैं, तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट का क्या होगा जहां पर प्लस क्यू रखा हुआ है। हमें ये पता है कि V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है। अब V W अपॉन Q है और W जो है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हो रहा है? R हो रहा है, इसलिए W इज इक्वल टू F इनटू R हो गया। अगर V जो है, क्योंकि उसी डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसलिए ये F into R के बराबर हो जाएगा। F dot R से F R cos theta, cos theta की वैल्यू जीरो, या सीधे F R लिख सकते हैं। यहां से आप F R अगर रखते हैं W की जगह तो V is equal to F into R upon Q लिख सकते हैं आप। हमको ये पता है कि कूलम फोर्स F जो होता है वो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q into Q, Q1 Q2 में बड़ा Q into छोटा Q upon R square के बराबर होता है। इसमें V में आप अगर इस F की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, ये F की वैल्यू V में सब्सटीट्यूट करेंगे तो 1 upon 4 pi epsilon naught Q into Q upon R square multiplied by R upon Q हो जाएगा। यहां से देखिए, एक R इस square से कट जाएगा और Q जो है वो इस Q से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचता है 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R। ये पहला एक्सप्रेशन है जो कि पोटेंशियल के लिए यूज होता है। V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। एक और एक्सप्रेशन है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए यूज होता है, ये E के टर्म्स में है, या कई बार ये आपको इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि E और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशनशिप है। ये देखिए, V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है। W की जगह F into R या F R upon Q
यहाँ से हम एफ अपॉन क्यू को अगर अलग लिखें तो एफ अपॉन क्यू जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होता है, और इस तरह से वी इज इक्वल टू ई डॉट आर। तो ये आपका दूसरा एक्सप्रेशन है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए यूज होता है। पहला एक्सप्रेशन क्या है, 1/4πε0Q/r, और दूसरा क्या है, E डॉट r। ये दोनों एक्सप्रेशन जो हैं वो आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए यूज होते हैं। अब आप ये कहते हैं कि यहां से हम दोनों में Q चार्ज लाते हैं तो उस पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो V है। अगर हम Q के बजाय 2Q, 3Q, 4Q इस तरह का कोई चार्ज लाएंगे तो भी क्या उस पॉइंट का पोटेंशियल इतना ही रहेगा? ये दिखाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है, एक चार्ज हमने लिया है प्लस क्यू, दूसरा चार्ज लिया है प्लस 2Q। F आपका जो डिस्टेंस है वो d है। अगर आप F निकालेंगे तो एक में F, जब F जो होता है 1/4πε0Q1Q2/r² के बराबर होता है, अगर एक Q जो है वो डबल हो जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो अगर F पहले Q वाले केस में ये F है तो 2Q वाले केस में ये 2F हो जाएगा। उस केस में आप देखते हैं तो VFD/Q होता है, और जब 2Q का केस लेंगे तो 2FD/2Q हो जाएगा, तो 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये आपका FD/Q हो जाएगा। आप कितने भी टाइम्स इसका चार्ज ले लें, जब आप उसी पॉइंट तक उस चार्ज को ले आएंगे तो हर बार जो आपका जो पोटेंशियल आएगा दैट विल बी इक्वल, दैट इज FD/Q। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आवाज बेटा, जिन लोगों को कट रही है आपके नेट में प्रॉब्लम होगी, मेरा तो फाइबर नेट है तो मेरे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? आप अपना नेटवर्क आप ना चेक करिए, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट आ जाइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होता है, दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इन साइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। आप अगर वैसे देखिए तो इन्फिनिटी से पहले पॉइंट तक लाने में, यहाँ पे मैंने जो फिगर बनाया ये देखिए, इन्फिनिटी से आपने अगर आप फर्स्ट पॉइंट तक ले आते हैं तो इसका से पोटेंशियल V1 है, और जब आप ये सेकेंड पॉइंट तक ले आते हैं तो से इसका पोटेंशियल V2 है। तो V1-V2 विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको दूसरी तरह से कहा जाए तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में जो भी वर्क डन होता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपको यहाँ मैंने दिखाया हुआ है, एक चार्ज प्लस क्यू यहाँ रखा हुआ है, इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट ए यहाँ है, दूसरा पॉइंट बी यहाँ है, ए से बी तक लाने में जो भी वर्क डन होगा दैट विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। जब भी कहीं पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में तो वहां करंट फ्लो होती है, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज होता है वहां पर जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में। जो करंट है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या जरूरत है पोटेंशियल डिफरेंस की फ्लो ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए या चार्ज के फ्लो होने के लिए क्यों जरूरी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। उसके जवाब के तौर पे मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये एक फैक्ट है कि जब भी कहीं फ्लो होता है तो ये तभी होता है जब कोई एक पर्टिकुलर चीज का अमाउंट में डिफरेंस होता है। जैसे कि आप टेम्परेचर की ही बात करिए तो अगर आप दो चीजों को कॉन्टेक्ट में रखिए और दोनों का टेम्परेचर सेम है तो वहां पर कोई टेम्परेचर फ्लो नहीं होगा। पानी की बात करिए, दो आप टैंक्स को जोड़ दीजिए और दोनों में जो वाटर का लेवल है वो बराबर है तो उसमें कोई भी पोटेंशियल, कोई भी उसमें फ्लो ऑफ वाटर नहीं होगा। ठीक वैसे ही अगर कोई दो पॉइंट्स कांटेक्ट में ऐसे आ जाते हैं जिनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो वहां पर कोई फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होगा। पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली चार्ज की वजह से होता है, तो अगर एक पे चार्ज ज्यादा है तो उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, दूसरे ऑब्जेक्ट पे चार्ज कम है तो उसका पोटेंशियल कम होगा। तो जब एक में चार्ज ज्यादा है और दूसरे में चार्ज कम है तो वहां पर चार्ज का फ्लो होगा, अगर दोनों पे सेम चार्ज है तो वहां पे चार्ज का फ्लो नहीं होगा। यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल मैंने बताया कि अगर आप वाटरफॉल को देखें तो वाटरफॉल में क्या होता है, ऊपर से पानी नीचे की तरफ आता है, क्यों? क्योंकि जो
पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ऊपर वाले पानी की ज्यादा होती है और नीचे वाले पानी की जब आप बॉटम पे आते जाएंगे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो ये चूंकि ऊपर वाले की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है उसको फ्लो करने की जैसे ही जगह मिलेगी वो ऊपर से नीचे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। ये एक आपको एग्जाम्पल दिखाने की कोशिश की है मैंने, दो टैंक्स को कनेक्ट किया हुआ है, टैंक ए और टैंक बी। फर्स्ट वाले केस में जो टैंक ए और टैंक बी है दोनों में देखिए वाटर लेवल सेम है, अगर आप इसको कनेक्ट भी कर देंगे तो कोई फ्लो नहीं होगा, दोनों में सेम लेवल है इसलिए। लेकिन अगर आप दूसरे वाले केस में टैंक ए को टैंक बी से कनेक्ट करेंगे तो जो लेवल ऑफ वाटर है पहले टैंक में ज्यादा है तो इसका पोटेंशियल ज्यादा है, दूसरे में कम है इसका पोटेंशियल कम है, इसलिए यहां से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ये फ्लो कर जाएगा। बिल्कुल इसी तरह की चीज होती है इलेक्ट्रिक चार्ज में, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन वन रीजन ऑफ स्पेस एज कंपेयर टू अनदर रीजन ऑफ स्पेस। ठीक वैसे ही जैसे कि एक टैंक में और दूसरे टैंक में पानी के लेवल का डिफरेंस था, ठीक वैसे ही एक रीजन ऑफ स्पेस और दूसरे रीजन ऑफ स्पेस, एक जगह और दूसरी जगह, एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट, अगर इसमें आपका चार्ज का डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होने पे वहां पर फ्लो ऑफ चार्ज होगा। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा तो वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ को फ्लो करता है। ये देखिए यहां पर मैंने दो तीन चीजें एक साथ आपको एक सिंगल फिगर में दिखाई हुई है। एक तो देखिए ये आपका ये लेट इट बी अ बैटरी, इस बैटरी में दो एजेस हैं, एक पॉजिटिव पोटेंशियल और एक निगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव एज भी है और निगेटिव एज भी है, और एक ये सर्किट पूरा बना हुआ है। आप देखिए जो लो पोटेंशियल है उससे हाई पोटेंशियल की तरफ तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, निगेटिव एज ऑफ बैटरी से पॉजिटिव एज ऑफ बैटरी की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, लेकिन कन्वेंशनल करंट की आप बात करें तो वो पॉजिटिव एज से निगेटिव एज की तरफ फ्लो करेगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है दैट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पॉजिटिव टू लोअर पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिव सो दे विल फ्लो फ्रॉम हायर निगेटिव टू लोअर निगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर होगा क्योंकि यहाँ पे ज्यादा है निगेटिव चार्ज और यहाँ पे निगेटिव चार्ज कम है, तो हायर निगेटिव पोटेंशियल से लोअर निगेटिव पोटेंशियल की तरफ तो आपका इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा और हायर पॉजिटिव चार्ज से लोअर पॉजिटिव चार्ज की तरफ आपका पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा। पहली चीज तो यहाँ पर ये है। दूसरी चीज आप ये कहेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पोटेंशियल ज्यादा है यहाँ पे पोटेंशियल कम है, तो यहाँ से यहाँ क्यों नहीं फ्लो हो जाता। ये कारण ये होता है कि जो आपका जब तक ये सर्किट आपका क्लोज्ड नहीं होता तब तक कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होता, इसे मैं आपको आगे के उसमें दिखाऊंगी। ये आपका कन्वेंशनल फ्लो चार्ज है जो मैंने उसी में बता दिया है। यहाँ पे देखिए ये आपके दो सर्किट्स मैंने बनाए हैं, एक सर्किट ऐसा है जिसमें कि यहाँ पर जो की थी वो क्लोज्ड है और दूसरा सर्किट ऐसा है जिसमें कि ये की ओपन है। तो जब ओपन है की तो ये सर्किट क्लोज्ड नहीं है, जो ओपन सर्किट है उसमें कभी भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा, बैटरी के अंदर यहाँ से यहाँ फ्लो नहीं करेगा क्योंकि पूरा सर्किट जब तक क्लोज नहीं होगा तब तक कोई चार्ज कहीं पर फ्लो नहीं करता। अब जब हम इस सर्किट को क्लोज कर देते हैं तो आउटर सर्किट में जो है वो आपका पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर को फ्लो करेगा और बैटरी के अंदर इनर सर्किट में निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो कर जाएगा। तो यहाँ पर आपका चूंकि पूरा सर्किट बन जाता है तो यहाँ पर आपका करंट फ्लो होगा और इसमें फ्लो ऑफ करंट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का मोशन अगर आप दिखाएं तो ये देखिए जब ये सर्किट ओपन स्विच ओपन हो जाता है तो इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रुक जाता है और जैसे ही स्विच क्लोज होता है वैसे ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाता है। तो किसी भी ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर सकती, जब सर्किट क्लोज होगा तभी उसमें करंट फ्लो होगी। अब यहाँ पर आपको जब मैंने दिखाया इस वाले केस में देखिए यहाँ पर मैंने एक और चीज ऐड की हुई है, रेजिस्टेंस। इस सर्किट में इस में आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज दिख रही है, दैट इज दिस रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का दूसरा नाम लोड भी कहा जाता है। जब भी कोई आप इलेक्ट्रिकल एप्लायंस आप किसी सर्किट में जोड़ते हैं तो उसका अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है। ये रेजिस्टेंस क्या होता है अब हम इसके ऊपर आ जाते हैं। जैसा कि नाम बता रहा है कि रेजिस्ट करना, अपोज करना। सो द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर
टू द पाथ ऑफ करेंट इज नोन एज रेजिस्टेंस. करेंट को करंट के रास्ते में जो रुकावट पैदा होता है, जो अवरोध पैदा होता है कंडक्टर के द्वारा, ये आपका रेजिस्टेंस कहलाता है. रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से लिखा जाता है और इसका एसआई यूनिट जो है वो ओम होता है. ओम का जो सिंबल होता है वो ये होता है और इसको ओएचएम ओम लिखा जाता है. तो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम होता है और मैथमेटिकली रेजिस्टेंस जो है वो वी अपॉन आई यानी पोटेंशियल डिवाइडेड बाई करंट के, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई करंट के बराबर होता है. अब यहां पर आपको ये समझने की जरूरत है कि रेजिस्टेंस होता क्यों है. रेजिस्टेंस क्यों होता है इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं और बता देती हूँ कि जो आपके एटम होते हैं, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम के बाहर ऑर्बिट्स में, डिफरेंट ऑर्बिट्स में चक्कर काटते रहते हैं. कुछ आपने अगर बोहर मॉडल पढ़ा होगा तो आपने इस तरह से पढ़ा होगा कि सेंटर में ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है जिसमें कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों होते हैं, और इसके चारों तरफ ऐसे ऑर्बिट्स होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काटते रहते हैं. अब ये इलेक्ट्रॉन्स उनमें चक्कर काटते रहते हैं, अगर अंदर वाले किसी इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है तो ये मूव करके बाहर वाले ऑर्बिट में चला जाता है, कुछ देर वहां घूमता है और फिर वापस वो एनर्जी निकाल के अपनी ऑर्बिट में आ जाता है. इसकी वजह से जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होते हैं वो सब मिलते हैं. अब प्रश्न ये आता है कि जो सबसे बाहर वाली ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है अगर इसको कुछ एनर्जी मिल जाती है तो ये क्या करता है. अगर बाहर एक आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है जिसको कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, अगर इसको कुछ एनर्जी मिल जाती है तो ये इस एटम से डिटैच हो जाता है, एटम से बाहर निकल जाता है, लेकिन मटेरियल से बाहर नहीं जा सकता, उस मटेरियल के अंदर ही वो घूमता रहता है, लेकिन जो आपका एटम है उससे डिटैच हो जाता है. ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही है जो कि जब आप किसी सर्किट में किसी मटेरियल को या किसी वायर को जोड़ते हैं तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है जो आपका मूव करता है पॉजिटिव एज ऑफ बैटरी की तरफ. मान लीजिए ये आपका एक कंडक्टर है जो मैंने ये दिखाया हुआ है, इस कंडक्टर को हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जोड़ देते हैं एक बैटरी से, हम लेट इट बी कनेक्टेड टू अ बैटरी. ये बैटरी का पॉजिटिव एज है और ये बैटरी का नेगेटिव एज है. अगर आप इससे कनेक्ट कर देंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ब्लू कलर के, ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि एनर्जी मिल जाने की वजह से एटम से डिटैच हो गए हैं. ये जो येलो कलर का और बीच में रेड डॉट है, ये सारे एटम्स हैं. इन एटम्स में से डिटैच हुए इलेक्ट्रॉन्स जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का कारण होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे मूव करते हैं पॉजिटिव एज ऑफ बैटरी की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव एज ऑफ बैटरी उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये अंदर से मूव करते हुए इधर की तरफ आते हैं. अब जब ये मूव करके इधर की तरफ आते हैं तो उस केस में क्या होता है, इनके बीच के रास्ते में दूसरे इलेक्ट्रॉन्स भी पड़ते हैं, इनके बीच के रास्ते में एटम्स पड़ते हैं, ये इनसे टकराते हैं और बहुत धीरे धीरे इनका ड्रिफ्टिंग होता है टुवर्ड्स एज ऑफ बैटरी. ये जो इनके कोलिजन्स होते हैं एटम्स से या दूसरे इलेक्ट्रॉन्स से, ये वजह होता है रेजिस्टेंस का. तो जितना ज्यादा डेंसिटी होगी उतना ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स से उनका कोलिजन होगा, उतना ज्यादा वहां पर उनको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा. ये आपका एक जनरल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया कि रेजिस्टेंस जो है वो किस लिए होता है. ये यहाँ पर मैंने आपको एनिमेशन के तौर पे दिखाने की कोशिश की है. ये ब्लू कलर के जो डॉट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि फ्लो कर रहे हैं. आप देख सकते हैं कि बीच बीच में ये एटम से टकराते हुए अपने रास्ते पाथ चेंज करते हुए और धीरे धीरे ड्रिफ्ट करते हैं बाहर की तरफ को, यानी कि ये एज आपका पॉजिटिव एज है और इसकी तरफ को ये धीरे धीरे मूव करते हैं और फिर यहाँ से मूव करते हुए ये पूरे सर्किट में मूव करते चले जाते हैं. ये तो हुआ आपका रेजिस्टेंस का छोटा सा कॉन्सेप्ट. अब यहाँ से हम आ जाते हैं ओम्स लॉ पे. ओम्स लॉ क्या कहती है कि अगर फिजिकल कंडीशंस कॉन्स्टेंट रखी जाए तो किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट
उसके दोनों एजेस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. यानी कि द लॉ स्टेट्स दैट इफ फिजिकल कंडीशंस, क्या क्या फिजिकल कंडीशन हो सकती हैं, आपकी टेम्परेचर हो सकता है, लंबाई हो सकती है, आपका प्रेशर हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकती है, सब फिजिकल कंडीशंस होती हैं. तो अगर ये फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रखी जाए, इफ द फिजिकल कंडीशंस ऑफ अ कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट, देन करंट आई फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द एजेस ऑफ कंडक्टर. इसको समझने के लिए एक छोटा सा मैंने आपको एनिमेशन ऐड किया है. अगर हमारा ये जो आपका एक पर्सन है, ये आपका वो पोटेंशियल है और ये ए जिस पे लिखा है दैट इज करंट, और बीच में ये ओम जहां लिखा है ये रेजिस्टेंस है, ये क्या कर रहा है, जो करंट है उसको धक्का देने की कोशिश कर रहा है कि करंट फ्लो हो. पोटेंशियल जो है वो फोर्स प्रोवाइड कर रहा है. फोर्स क्यों, जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको पॉजिटिव एज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स प्रोवाइड कर रहा है. जो निगेटिव एज है वो इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा है या पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये एक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है. तो पोटेंशियल जो है वो फोर्स लगाता है करंट को फ्लो करने के लिए, लेकिन बीच में जो रेजिस्टेंस है वो उसको रोकने की कोशिश करता है. जितना ज्यादा ये फोर्स होगा उतनी ज्यादा करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगी, और जितना कम फोर्स होगा उतनी कम करंट फ्लो होगी. मतलब क्या हुआ कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पोटेंशियल के. बस यही आपकी लॉ कह रही थी कि इन इफ, और यहाँ पे आपने जो बाकी सारी कंडीशंस को कांस्टेंट रखा है उसके अंदर और कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, आपका सिर्फ जो कंडीशंस थी वो सब कांस्टेंट रखते हुए जब आप उसके कंडक्टर में देखें तो जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल. अब इसको हमने थोड़ा सा मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखा है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली आई इज प्रोपोर्शनल टू वी, या उल्टा लिख लीजिए वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, या वी इज इक्वल टू आई इंटू आर. यहाँ आर जो है वो कांस्टेंट फॉर प्रोपोर्शनैलिटी है और इसको रेजिस्टेंस कहा जाता है. सो वी इज इक्वल टू आई आर, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ओम्स लॉ. आपको ये एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, राइट एक्सप्रेशन फॉर ओम्स लॉ. ये एक्सप्रेशन है ओम्स लॉ का, V इज इक्वल टू आई आर. जब आपसे पूछा जाए कि स्टेट ओम्स लॉ तो आपको क्या स्टेटमेंट लिखनी है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर खाली लिख दीजिए, या एट कॉन्स्टेंट फिजिकल कंडीशंस द करेंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एजेस, या एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द करेंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एजेस. ये वो भी क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं आपका जब वाइवा होगा प्रैक्टिकल का, उसमें भी ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन एक प्रैक्टिकल है, जब आप वहां पर उसको वेरीफाई करेंगे तो उसके लिए भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एक नंबर में, राइट एक्सप्रेशन फॉर ओम्स लॉ. तो जब आप एक्सप्रेशन ओम्स लॉ का लिखेंगे तो दैट इज बी इज इक्वल टू आई आर, वेयर वी इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एजेस ऑफ कंडक्टर, आई इज करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, एंड आर इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर. ये आप जब ओम्स लॉ का प्रूफ करते हैं तो ये सर्किट है जो आप यूज करते हैं. इस सर्किट में देखिए, ये जो आपका दिखाया गया है ये बैटरी है, जो बड़ा वाला, ये जो लंबा वाला एज होता है ये पॉजिटिव एज होता है, ये जो छोटा एज होता है ये नेगेटिव एज होता है. बैटरी के हमेशा सीरीज में एमिटर जोड़ा जाता है. तो अगर बैटरी का निगेटिव एज इधर है तो एमिटर का निगेटिव एज बैटरी के निगेटिव एज से जुड़ता है और पॉजिटिव एज दूसरी साइड पे रहेगा. इससे आपका जोड़ा जाता है रेजिस्टेंस, यानी कि वो कंडक्टर जिसको यूज करके आप प्रूफ करेंगे उसका रेजिस्टेंस क्या है. ऐसा कंडक्टर जिसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हो वो आप यहाँ पे लगाएंगे, इसको रेजिस्टर भी बोलते हैं. और फिर उस रेजिस्टर के पैरेलल में ये आप ऐड करते हैं एक वोल्ट मीटर. अब चूंकि अमीटर का पॉजिटिव एज यहाँ है तो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव यहाँ होगा और निगेटिव यहाँ होगा. तो इस तरह से ये सर्किट आपको वहां बनाना है. उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके साथ एक यहाँ पर हम वोल्टेज चेंजर भी लगाते हैं जिसको कि हम वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं. उसको जब आप
अलग अलग पॉइंट्स पे जब आप मूव करते हैं तो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता जाता है और इसके अकॉर्डिंगली करंट चेंज होती जाती है। ये काम आपको लैब में करना है, तो जब वहां आप करेंगे तब आपको बताऊंगी। फिलहाल हम आगे चलते हैं और आ जाते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे। ये देखा गया है कि रेजिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। पहली चीज नेचर ऑफ कंडक्टर, उस कंडक्टर का नेचर क्या है। दूसरा लेंथ ऑफ कंडक्टर, उसकी लंबाई कितनी है। और तीसरा एरिया ऑफ क्रॉससेक्शन ऑफ द कंडक्टर, उसका एरिया ऑफ क्रॉससेक्शन कितना है। ये देखा गया है कि अगर आप कंडक्टर की लंबाई बढ़ाते चले जाइए तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, यानी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। और दूसरा जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉससेक्शन ऑफ द कंडक्टर। जो वायर है या कंडक्टर है उसकी जितना ज्यादा उसका एरिया ऑफ क्रॉससेक्शन होगा, जितना मोटा होगा उतना उसका जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा, और जितना लंबा होगा उतना उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इनको हमने यहाँ कंबाइन करके लिखा है R इज प्रोपोर्शनल टू L या R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। इन दोनों को मिला दीजिए तो R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, या साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटा के एक कांस्टेंट फॉर प्रोपोर्शनैलिटी ऐड कर दिया रो, जिसको कि रेजिस्टिविटी कहते हैं। R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। यहां से हम रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ पर L की वैल्यू 1 रख दें, 1 मीटर, और A की वैल्यू रख दें 1 मीटर स्क्वायर, देन R इज इक्वल टू रो। यहाँ पर यही लिखा है, इफ L इज इक्वल टू 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉससेक्शन A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, देन R इज इक्वल टू रो। यानी कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी, जो आपके रेजिस्टेंस ऑफ मटीरियल है उसके बराबर होता है। कब? अगर आप एक मीटर लंबाई का वायर लें जिसका एरिया ऑफ क्रॉससेक्शन एक मीटर स्क्वायर हो। सो वी कैन डिफाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल एज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉससेक्शन ऑफ द मटेरियल। जो रेजिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसका जो SI यूनिट होता है ये ओम इंटू मीटर होता है। यहां से एक लास्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, यानी अगर रेजिस्टिविटी आपकी रो है तो 1/ρ विल बी कंडक्टिविटी। सो इस ये जो है किसी भी मटेरियल में कितना इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट हो सकता है उसकी एबिलिटी को डिफाइन करता है, और कॉमनली इसको ग्रीक लेटर सिग्मा से डिनोट किया जाता है। सिग्मा ये होता है, दिस इज सिग्मा, इससे डिनोट किया जाता है। और इसका जो SI यूनिट होता है वो सीमेंस पर मीटर होता है। और एक लास्ट कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को G से लिखा जाता है और G इज इक्वल टू 1/R होता है। R का SI यूनिट ओम है, तो जो कंडक्टेंस है उसका SI यूनिट ओम का इनवर्स हो जाता है, जिसको MHO मोह से भी लिखा जाता है। और टाइम खत्म हो गया है तो आज के लिए यहीं पे हम रुक रहे हैं। आपको कुछ पूछना है तो मैं